जनरल के क्वेश्चनों में एक टाइप और ये आएगा कि उसमें आपको नरेशंस गिवन होंगे, दैट इज एक क्वेश्चन होगा उसमें नरेशंस गिवन होंगे और आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने करेंगे, यानी जो जगह है ब्लैंक्स है उनको भरना होगा। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ द नरेशंस फिल इन द मिसिंग वैल्यूज, इन वैल्यूज को भरना है कि यहाँ क्या आएगा। बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इसमें लिखा है नरेशन, बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश 1 लाख रुपी एंड बैलेंस बाय चेक। यानी ये किसकी एंट्री है कि किसी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की। वी नो जो ओनर होता है बिजनेस का वही इनिशिएट करता है, उसी ने बिजनेस में पैसा लगाया है, 1 लाख रुपए वो कैश लाया और बाकी का 5 लाख वो चेक से लाया। कि सर बाकी का 5 लाख कैसे पता? क्योंकि देखो इसमें 6 लाख रुपए लिखा हुआ है, कैपिटल के सामने 6 लाख लिखा हुआ है। तो देखिए आप समझिएगा कि वो बंदा कैश लाया है तो हम करेंगे कैश अकाउंट DR 1 लाख से, टोटल उसने 6 लाख इंट्रोड्यूस किया है और बाकी का 5 लाख रुपया चेक से है, तो हमारा बैंक बैलेंस गोज अप, तो 6 लाख रुपया कहलाएगा कैपिटल। तो हमें ये समझ आया इतने दिन की स्टडी से कि जो शुरू शुरू में पैसा लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डैश अकाउंट डी आर टू डैश अकाउंट 1600 बींग द गुड्स परचेज इन कैश पेइंग CGST SGST 6%। तो हमने गुड्स परचेज किया है, बहुत सिंपल, परचेज करने पे परचेज अकाउंट डी आर होता है, ये लिखा मैंने परचेजेज अकाउंट डी आर, यहाँ लिखा मैंने इनपुट CGST अकाउंट DR, यहाँ लिखा मैंने इनपुट SGST अकाउंट DR, ठीक है, ये सब DR। टू, मैंने गुड्स खरीदा है कैश में तो मैंने कैश दिया है तो यहाँ पे कैश आएगा नीचे, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब गौर कीजिए कि अगर 100 रुपये का माल है, माना 100 रुपये का माल है, तो 6 रुपये उसके अंदर CGST है और 6 रुपये उसके अंदर SGST है, तो ये हो जाता है 112, यानी विदाउट टैक्स ये 100 का माल है और टैक्स मिला के 112 है। तो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है ये टैक्स मिला के दे रखी है, तो मैंने यूँ लिखा 16800 अपॉन 112 इंटू 100। टैक्स मिलाकर अगर 112 की है तो बिना टैक्स कितने की होगी? मैंने फिर इसको 4 से सॉल्व किया, 4 × 2 = 8, 3 बज गया, 4 × 8 = 32 और ये 28 का टेबल मैंने लगाया तो 6 बार लग जाएगा, 28 × 5 = 140, ठीक बात है। तो ये आ गया 15,000। तो बेसिकली ये माल 15,000 का है जिस पे 6% CGST है और 6% SGST है, और मैं क्रॉस चेक करूँगा तो 16800 बनता है, समझ गए हैं आप। आइए, डैश अकाउंट DR टू डैश अकाउंट क्या मामला है? बींग द लैंड परचेज फॉर 2.5 लाख रुपये पेमेंट बाय चेक। हमने ज़मीन खरीदी, एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा और पेमेंट चेक से किया, नतीजा बैंक बैलेंस गोज़ डाउन और हमारे पास आ जाएगा लैंड अकाउंट DR टू बैंक। हमने 2.5 लाख रुपया दिया है ज़मीन के उस टुकड़े के लिए, 2.5 लाख। नेक्स्ट, डैश अकाउंट DR टू डैश अकाउंट 1,12,000 बींग गुड्स परचेजेस फ्रॉम हरी इंक्लूडिंग IGST। तो ये मामला है गुड्स परचेज का, गुड्स परचेज करने पे ऑलवेज परचेज अकाउंट DR, इसके लिए अपन पहले के 9 वीडियोस देखेंगे, परचेज अकाउंट DR, और हमने IGST दिया है तो इसको बोलेंगे इनपुट IGST। परचेज पे जो GST होता है वो इनपुट GST होता है और IGST क्वेश्चन में कोट किया हुआ है। सपोज कीजिए अगर 100 रुपये का माल है और 12 रुपये का IGST है तो टैक्स मिला के 112 रुपये हुआ। तो ये जो 1,12,000 आप देख रहे हो ये 112 है, इंटू 100 करेंगे तब यहाँ 1 लाख, मतलब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका 1 लाख रुपये आ जाएगा। आप समझ जाएंगे अच्छे से कि 1 लाख रुपये का माल है, 12,000 का IGST है। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो फिगर है वो इंक्लूसिव टैक्स है, टैक्स मिलाकर है, या एक्सक्लूसिव टैक्स है, विदाउट टैक्स है। डैश अकाउंट DR टू डैश अकाउंट टू डैश अकाउंट टू डैश अकाउंट बींग द गुड सोल्ड चार्ज CGST SGST। आपके पास मामला है सेल का, सेल हमेशा CR होता है, सेल पे जो GST होता है उसे आउटपुट बोलते हैं,
ये लिखा मैं आउटपुट सीजीएसटी और ये लिखा मैं आउटपुट एसजीएसटी। ओके बेटा, और अब देखिए इन्होंने बताया नहीं कि सेल किसको है, तो सेल फॉर कैश है, तो कैश डीआर करेंगे, कैश अकाउंट डीआर। और टोटल ये पैसा आया है, आप समझिए ये अमाउंट टोटल है। सपोज करो 100 रुपये की सेल है, 6 रुपये का जीएसटी है, 6 रुपये का जीएसटी है तो 112, तो 22,400 अपॉन 112 इंटू 100, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 20,000। 20,000 रुपये आपका सेलिंग अमाउंट है, 20,000 का 6% 1200 और 6% 1200। इन दिस वे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज डैश डी आर, टू डैश टू डैश टू डैश, किस तरीके है। इस बार हमने सेल किया है वापस से, ये सेल हमने राजन को किया है और हमने इस बार भी जीएसटी लगाया है, सेल का ट्रांजेक्शन है तो सेल्स आएगा नीचे, सेल के साथ जो चलते हैं आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी वो भी आएंगे। सेल हमने राजन को किया है, राजन इज द रिसीवर, अभी हम नए हैं तो हम ये कह रहे हैं राजन इज द रिसीवर इसलिए डीआर किया है, बाद में 5 लेक्चर के बाद मैं बोलूंगा कि राजन इज माई डेटर, राजन इज माई डेटर इसलिए डीआर किया है, वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो हमने राजन को सेल किया है और सामने लिखा है कि 50,000 का माल है, तो ये तो 50,000 खाली माल का अमाउंट है, इसमें टैक्स नहीं है, ध्यान रखना ये 50,000 खाली माल है। इसका 6% निकाल दो जो कि 3,000 होगा, फिर से 6% निकाल दो जो कि 3,000 होगा, और यहाँ 56,000 आएगा। और इस तरह से हमने राजन पे टोटल चार्ज करना है, राजन से फ्यूचर में वसूल करना है 56,000। नेक्स्ट डैश अकाउंट डीआर, डैश अकाउंट डीआर, डैश अकाउंट डीआर, टू डैश अकाउंट। अब क्या हो गया, बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय राजन, बीइंग द गुड्स रिटर्न बाय राजन। देखो दो तरह से तुमको समझना होगा, पहला या तो लैंग्वेज समझ लो गुड्स रिटर्न बाय राजन तो ये सेल रिटर्न है, या आप समझो कि अभी हमने उसको माल बेचा था अब वो रिटर्न कर रहा है। क्या करना है सुनो, रिटर्न के ट्रांजेक्शन में हमेशा उल्टा कर देते हैं चीजों को, जैसे राजन पहले डीआर था तो राजन आ गया नीचे, सेल सीआर में था तो सेल रिटर्न आ जाएगा डीआर में, आउटपुट सीजीएसटी सीआर में था तो आउटपुट सीजीएसटी आ जाएगा डीआर में, आउटपुट एसजीएसटी था सीआर में तो आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा डीआर में। ध्यान देना 50,000 जो है वो केवल माल के सामने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं 5,000 पढ़ देता हूँ, 5,000 है, 5,000 का माल है ना, और 5,000 का 6% 300 और ये 300, ठीक है। हो सकता है कि पूरा माल लौटा दिया हो, बट मुझे लगता है कि ये प्रिंटिंग होगा, 5,000 रुपये का माल 300 300, ठीक है बेटा। आ जाओ डैश अकाउंट डी आर, टू डैश अकाउंट, टू डैश अकाउंट, क्या मामला है, बींग द गुड्स रिटर्न टू हरी, हरी वाला मामला। आ जाओ ये देखो, अपन ने थोड़ी देर पहले हरी से परचेज किया था, अपन ने थोड़ी देर पहले हरी से परचेज किया था, परचेज डी आर हुआ था, इनपुट डी आर हुआ था, हरी सी आर हुआ था, अब हरी को तो पहुंचा तो ऊपर, तो हरी तो आ जाएगा ऊपर, परचेज आ जाएगा नीचे, परचेज रिटर्न, और इनपुट आईजीएसटी हुआ था डीआर, इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा सीआर, ठीक है। कुछ आप बातें याद रख लो कि परचेज डीआर होता है, परचेज रिटर्न सीआर होता है, सेल सीआर होता है, सेल्स रिटर्न डीआर होता है, तो आदत अच्छी हो जाएगी। देखो ये जो 4,000 रुपये है ये तो केवल माल के सामने लिखा हुआ है, आपको इस ट्रांजेक्शन में 12% आईजीएसटी का पता था तो आपको 12% आईजीएसटी लगाना है, ये 4,000 का 12% 480, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4,480। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे इसलिए हैं, एक तो इस बहाने आपकी नरेशन की प्रैक्टिस होती है कि नरेशन कैसे लिखे जाते हैं, और दूसरा ये है कि आपकी समझ क्लियर होती है कि कितना आप क्वेश्चन को समझ पाते हैं और कितना आप उसे अप्लाई कर पाते हैं। ओके, जनरल के हम स्पेशल क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्पेशल क्यों बोल रहे हैं, नरेशन के बेस पे आपको क्वेश्चन को समझना है, आधा काम आपको हो रखा होगा, आधा काम आपको समझना है, ऑन द बेसिस ऑफ द नरेशन फिल इन द मिसिंग वैल्यूज, तो मिसिंग वैल्यूज भरनी है। ये जर्नल का फॉर्मेट होता है, डेट जिस दिन ट्रांजेक्शन होता है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जो होता है, एल एफ इस ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होती है,
उसके लिए LF यूज़ करते हैं। कैसे आएगा आने वाले लेक्चर्स में। अमाउंट DR अमाउंट और CR अमाउंट, चलिए लिखा है डैश अकाउंट DR टू डैश अकाउंट। बींग द इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ पर्सनल कार पेड, ध्यान से क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कैश गया, कैश गया तो कैश नीचे, और वैसे मैं इंश्योरेंस प्रीमियम लिखता लेकिन ये पर्सनल कार है, ठीक है, तो यहां पे अपन लिखेंगे ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू कैश। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, सोचो ये दुकान है, सॉरी ये ओनर है, ये दुकान है, ठीक है, सपोज एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक है, वो ट्रक क्या इस्तेमाल होता है माल को लाने में, जब हम दूसरे शहर से माल लाते हैं तो ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, और ग्राहक के पास माल भेजते हैं तो इस ट्रक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या हुई, बिजनेस की प्रॉपर्टी, इसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, बिजनेस का एक्सपेंडिचर। सीन टू, इसके पास एक कार है, ये कार में क्या करता है, अपनी फैमिली को घुमाता है, पिकनिक वगैरह घूमने वगैरह जाता है, तो कार का इस्तेमाल करता है, तो इस कार का कैसा इस्तेमाल हुआ, पर्सनल इस्तेमाल, तो इस कार का जो खर्चा होगा वो कैसा होगा, पर्सनल खर्चा। अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग में ये बुनियादी बात आप समझ लो, हम बिजनेस के एक्सपेंडिचर को अलग तरह से रिकॉर्ड करते हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर को अलग रिकॉर्ड करते हैं। ट्रक में पेट्रोल डीजल भरवाया जाएगा तो उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से होगी, इस कार में जिसमें घूमता है उसमें पेट्रोल डीजल भरवाया जाएगा तो उसकी अकाउंटिंग अलग होगी, ये बुनियादी बात आपको समझनी पड़ेगी। पर्सनल एक्सपेंडिचर की डिटेल की जरूरत नहीं होती, यू ओनली राइट ड्रॉइंग्स, दैट्स इट। तो आपने यहाँ ड्रॉइंग्स लिख दिया, अब ये ड्रॉइंग्स क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको ये नरेशन एक्सप्लेन कर देता है कि ओनर ने पैसा क्यों उठाया। नेक्स्ट, डैश अकाउंट DR टू डैश अकाउंट 250। बींग द न्यूज़पेपर बिल फॉर द मंथ पेड, हमने न्यूज़पेपर वाले का बिल दिया तो यहाँ पे कैश आएगा नीचे और ऊपर आएगा न्यूज़पेपर एक्सपेंस, या खाली न्यूज़पेपर लिख दो, एक्सपेंस लिख दो ठीक रहेगा, न्यूज़पेपर एक्सपेंस DR टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, डैश अकाउंट DR टू डैश अकाउंट। बींग द चेक पेड टू अखिल, हमने अखिल को चेक दिया, क्या होता है, हमने चेक पे अखिल नाम लिखा होगा, साइन किया, अमाउंट भरा, काट के उसको दे दिया, दो दिन बाद आपके खाते में से पैसा कट जाएगा, कटेगा ना, तो बैंक बैलेंस आएगा नीचे और अखिल आएगा ऊपर, अखिल इज द रिसीवर, अखिल अकाउंट DR टू बैंक। जब आपके आंसर आने लग जाए ना तो आप कोशिश करो कि आंसर के साथ आप रूल लगा लगा के बोलो, तो इससे आपकी क्या आदत में आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश अकाउंट DR टू डैश अकाउंट। बींग द लोन टेकन अगेंस्ट FD, वेल हमारी एक FD रही होगी, जैसे मान लो मेरे पास 5 लाख की FD है, मैंने बैंक में करा रखी है, ये भी मान लो कि मुझे 2 लाख रुपए का लोन चाहिए, 2 लाख का लोन चाहिए, तो मैंने बैंक वालों को बोला साहब लोन दे दो, आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, मेरी FD आपके पास ही है। तो अक्सर FD के अगेंस्ट जो लोन लिया जाता है वो बैंक से लिया जाता है, और मैं कह चुका कि जब आप बैंक से लोन लोगे और लोन पास होगा तो वो तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा, तो यहाँ बैंक आएगा DR, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट DR टू बैंक लोन। जितने का भी लोन होगा, अमाउंट से तो हमें कोई खास मतलब नहीं है, जितने का भी लोन होगा पैसा हमारे अकाउंट में आया है इसलिए बैंक DR हुआ, और बैंक लोन CR क्यों हुआ, इसका रियल रीज़न है कि ये लायबिलिटी है। कि सर आप पूरा रूल तो बताते ही नहीं हो, ऐसा थोड़ा सा बता के छोड़ देते हो, समय आने पे मैं पूरे रूल ढंग से बताऊंगा, इनफैक्ट अगले वीडियोस से या कुछ आने वाले वीडियोस में ये बातें शुरू हो जाएंगी कि असेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। अभी तो ये समझो लोन पास हुआ, पैसा अकाउंट में आया, बैंक हो गया DR, बैंक लोन हो गया CR। नेक्स्ट इज डैश अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। वेल इसमें इन्होंने आधी एंट्री कर रखी है। बींग द कार्टेज पेड ऑन परचेज, कार्टेज गाड़ी, गाड़ी भाड़ा हमने चुकाया तो कैश गया नीचे, ऊपर आ जाएगा कार्टेज। कि सर इतनी सिंपल एंट्री, अरे हाँ सिंपल एंट्री भी होती है, कार्टेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट।
एक्सपेंस डीआई होते हैं, एक्सपेंस का नाम लिखा जाता है। देखो आप अकाउंटेंट हो, आप समझो, आप कैश कह रहे हो गया, तो आप बताओगे तो सही कैश गया क्यों, तो कार्टेज इज द रीजन। डैश अकाउंट डीआई टू डैश अकाउंट बीइंग द कार्टेज पेड ऑन सेल्स, ओके। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, मैं पिछले आंसर को थोड़ा चेंज करता हूं, कार्टेज की जगह मैंने वर्ड यूज किया कैरेज, कार्टेज भी सही था बट मैंने यहां यूज किया कैरेज, और यहां लिखा मैंने इनवर्ड। कैसा क्या हुआ आपको अचानक? देखो इसमें हमने जो गाड़ी भाड़ा दिया है वो दिया है परचेज पे, और इसमें जो अपन ने गाड़ी भाड़ा दिया है वो दिया है सेल्स पे। आराम से, इसमें हमने गाड़ी भाड़ा दिया तो हमारा कैश गया, और इसको हम नाम देंगे कैरेज आउटवर्ड। अब आप सिंपल समझो, अगर हमने माल खरीदा है और माल हमारी तरफ आ रहा है तो उसे बोलेंगे कैरेज इनवर्ड, और अगर हम माल सेल कर रहे हैं, माल जा रहा है, उस समय का जो कैरेज होता है वो होता है कैरेज आउटवर्ड। अब आपके जहन में आएगा कि सर आते समय का भाड़ा भी हम देंगे और जाते समय का भाड़ा भी हम देंगे, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो कि मुझे माल मंगाना है कहीं से विद सेफ्टी, मैं नहीं चाहता कि माल में कोई टूट फूट हो जाए, तो मैंने मेरा टेम्पू या गाड़ी करके माल मंगवाया, तो परचेज का भाड़ा कैरेज इनवर्ड। अब सपोज करो हमारी दुकान में पॉलिसी है होम डिलीवरी की, कि हम होम डिलीवरी देते हैं। होम डिलीवरी में मतलब ये कि ग्राहक को बोलते हैं आप तो घर जाओ माल पहुंच जाएगा, तो वो जो हम भाड़ा देंगे उसे हम कहेंगे कैरेज आउटवर्ड। तो ये दोनों ही एक्सपेंस हैं। जनरली हम ऑपोजिट सोच लेते हैं कि कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस होगा तो कैरेज आउटवर्ड इनकम होगा, नहीं, बोथ आर द आइटम्स ऑफ एक्सपेंस। इसका रिलेशन है माल के आने से, इसका रिलेशन है माल के जाने से। ओके, नेक्स्ट है डैश अकाउंट डी आर टू डैश अकाउंट बींग द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक फ्रॉम द अकाउंट, बींग द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने। मान लो कहानी जोड़ लेते हैं, हमने जो बैंक से लोन लिया ना तो उन्होंने ब्याज काटा, ब्याज काटा तो बैंक बैलेंस गया नीचे, तो बैंक गया नीचे और ऊपर आ जाएगा बैंक इंटरेस्ट। आप चाहें तो खाली इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो बैंक इंटरेस्ट लिख सकते हैं, बैंक इंटरेस्ट टू बैंक। नेक्स्ट डैश अकाउंट डीआर, डैश अकाउंट डीआर टू डैश, टू डैश, टू डैश, ओहो बड़ी सी एंट्री है। बीइंग द गुड सोल्ड टू विवेक, हमने विवेक को सेल किया है 50,000 का माल जिसका 50% कैश पेमेंट हुआ है और हमने CGST SGST लगाया है। वेल, हमने सेल किया है तो सेल आएगा नीचे, सेल के जो दो चेले चपाटे हैं वो भी आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा आपका आउटपुट CGST और एक आपका आ जाएगा आउटपुट SGST, और 50,000 का तो माल है 6% यानी 3,000 और ये 3,000, तो मैंने कहा भाई साहब 56,000 हो गया, लाओ पैसे लाओ, तो उसने 50% कैश दे दिया, तो 56,000 का 50% 28,000, तो कैश आया, जो अपन हिंदी में बोलते हैं ना आया, इंग्लिश में बोलते हैं कम्स, उसके लिए टेक्निकल वर्ड है DR, तो कैश DR मतलब कैश आया 28,000, और ये है विवेक, विवेक अकाउंट DR, और बाकी पैसा आप समझो अपन ने क्या किया, विवेक के नाम चढ़ा दिया, विवेक के नाम, ये हिंदी में बोलते हैं नाम, अंग्रेजी में बोलते हैं DR, बाकी पैसा हमने विवेक के नाम चढ़ा दिया 28,000। तो आधी एंट्री में कैश आया और बाकी एंट्री में विवेक का आने से मतलब ये है कि अब हम एक विवेक का अकाउंट ओपन करेंगे, उसमें 28,000 लिखा रहेगा तब तक जब तक विवेक हमें पैसे जमा नहीं करा देगा तब तक, तो इस तरह से एंट्री होती है। ठीक है बेटा, अपना प्रॉमिस याद रखना, हर वीडियो 2 बार। ओके, क्वेश्चन अपन इस पैटर्न को और कर लेते हैं, ऑलमोस्ट ये आपका लास्ट मौका रहेगा, हालांकि पैटर्न तो एक ही बार में समझ में आ गया होगा आपको। ऑन द बेसिस ऑफ द नरेशंस फिल द मिसिंग वैल्यूज, वापस वही मिसिंग वैल्यूज ही भरनी है, और जर्नल का फॉर्मेट गिवन है, लिखा है डैश अकाउंट DR, डैश अकाउंट DR टू डैश अकाउंट, तो मैंने कहा क्या हो गया ऐसा,
कहते हैं बींग 75 पैसा इन अ रुपी रिसीव्ड आउट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम चरण ऑन हिज बिकमिंग बैंकक्रप्ट। अच्छा ट्रांजेक्शन है, 75 पैसा आउट ऑफ अ रुपी, रुपए में से 75 पैसे, एक रुपए में होते हैं 100 पैसे, हमें मिल पाए 75 पैसे, यानी हमें मिल पाया 75% इन अ रुपी आउट ऑफ 10,000, यानी अगर 10,000 रुपए थे तो हमें 75% ही मिला, तो कैश आया, तो यहाँ लिखा मैंने कैश अकाउंट के सामने 7,500, 10,000 रुपए आने थे, 2,500 नहीं आ पाए और अब नहीं आएंगे फ्यूचर में, उसे बोल जाते हैं डूब गए, डूब गए, तो यहाँ लिखा मैंने बैड डेट्स, तो क्या रीड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डीआर, टू इसका नाम है चरण, टू चरण, किसा समझ ही नहीं आया, हमें 75 पैसा मिला आउट ऑफ अ रुपी, हमें जो अमाउंट मिला है आउट ऑफ 10,000 ऑन हिज बिकमिंग बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट बैंकक्रप्ट, लगभग एक ही बात है कि वो दिवालिया बर्बाद हो गया और जाते जाते हमें इतना पैसा मिल पाया, और वैसे बता दूं जब बैंकक्रप्सी होती है तो फिर पैसा हमें उस पार्टी से नहीं मिलता, कोर्ट के थ्रू मिलता है, हमारे जैसे जितने भी मांगने वाले पैसे होते हैं वो सब कोर्ट के थ्रू ही अपना पैसा पाते हैं। खैर, डैश अकाउंट डी आर टू डैश अकाउंट बींग द कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, क्या बात है, हमें कैश मिला है तो कैश आया, चलो लिखा कैश अकाउंट डी आर, आप ये तो अब तक समझ गए होंगे कैश आया समझ में आ जाता है, तो नीचे लिखना पड़ता है क्यों आया, टू अगेंस्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, जो पैसा डूब चुका था, जो पैसा हम डूब के डूबा हुआ मान चुके थे, जो पैसा हम राइट ऑफ मतलब ख़त्म करना, जो पैसा हम ख़त्म कर चुके थे वो पैसा मिल गया, तो इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ये सर समझ ही नहीं आ रहा है, हमें कैश मिला, सपोज़ करो कोई चरण जैसा आदमी था, कोई और आदमी था जो 2 साल पहले हमारे पैसे लेकर भाग गया था, अब वो वापस अमीर हो गया और हमें वो पैसा मिल गया, तो कैश अकाउंट डी आर टू बैड डेट्स रिकवर्ड। डैश अकाउंट डी आर टू डैश अकाउंट बींग द चेक ऑफ राजन डिसऑनर्ड, सारे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, चेक राजन का डिसऑनर हो गया, अब डिसऑनर होने पे हमें कोई खुशी हो ऐसी बात नहीं है, डिसऑनर होने पे समझो आपका बैंक आएगा नीचे और राजन आएगा ऊपर, और हकीकत बताऊं जब हमें चेक मिला होगा उस समय अपन ने ये वाली एंट्री कर दी होगी, बैंक अकाउंट डी आर टू क्या नाम था राजन, मैं 2 मिनट इसके बारे में बोलता रहूँगा, देखो जब हमें चेक मिला होगा हमने वो चेक बैंक में डाला होगा, अकाउंट में अभी पैसा आया भी नहीं था और हमने ये एंट्री पास कर दी थी ये मानते हुए कि पैसा आ जाएगा, लेकिन सपना टूटा, आंखें खुली तो पता चला कि वो चेक डिसऑनर हो गया है, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ और अब हम उस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, तो चेक डिसऑनर होने पे हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं कि चेक डिसऑनर होने पे बैंक बैलेंस गया नीचे और ऊपर उसका नाम आएगा जिसकी वजह से हुआ राजन अकाउंट डी आर टू बैंक। नेक्स्ट डैश डी आर टू डैश बींग द परचेज्ड ऑफ गुड्स 30,000 चार्ज्ड CGST SGST 6% ईच रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हमने गुड्स परचेज किया तो परचेज आएगा डीआर में, परचेजेस अकाउंट डीआर, पहला इनपुट CGST, दूसरा इनपुट SGST, हमने जो गुड्स परचेज किया वो है 30,000 का, इसका 6% होगा 1,800, एक और 6% होगा 1,800, 30, 31, 32, 33,600 और फिर हमने किससे परचेज किया ये नहीं दे रखा, तो हमने सामने वाले को कैश दिया होगा तो कैश आएगा, और 2% डिस्काउंट हमने इंजॉय किया तो मैं इसका 2% काउंट कर लेता हूँ, 672, तो 672 आप लेस कर दो, ठीक है 672 आप लेस कर दो, मैं 33,600 में से
672 लेस कर देता हूँ, 10 में 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, 5 में 6 गया 9, इतना पैसा हमारा गया कि सर वापस बताओ। परचेज डीआर होता है, परचेज के साथ चुन्नू मुन्नू डीआर होते हैं, हमारा कैश गया इसलिए कैश आएगा नीचे और हमें डिस्काउंट मिला है तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी इनकम है। नेक्स्ट डैश डी आर टू डैश टू डैश टू डैश बींग द सेल ऑफ गुड्स 30,000 चार सी जी एस टी एस जी एस 6% अगेंस्ट चेक अलाउड कैश डिस्काउंट 3%। ओके, हमने गुड सेल किया है, सेल आएगा नीचे, सेल के साथ आएगा आउटपुट, आउटपुट सी जी एस टी और आपका आएगा आउटपुट एस जी एस टी। 30,000 सेल हुआ, ठीक है साहब, 30,000 का 6% निकालेंगे 1,800 आया, फिर 1,800 आया, 31, 32, 33, 33,600। रिपीट, हमने सेल किया, हमें पार्टी से इतना पैसा लेना है और हमें चेक मिली है, चेक मिलने पर बैंक आएगा ऊपर और 3% डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, इसका 3% निकालेंगे, 3×18, 3×9=10, 3×9=10, 1,008 रुपये। तो 33,600 में से 1,008 रुपये आप लेस कर दो, 33 में से एक गया 32,592, तो बैंक 32,592 यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट अलाउड में आ जाएगा 1008। चलो हो गए। नेक्स्ट है डैश अकाउंट डी आर टू डैश अकाउंट टू डैश अकाउंट बींग द गुड्स कॉस्टिंग 15,000 लॉस्ट इन फायर दीज वर परचेज पेइंग IGST। तो जो माल कभी हमने खरीदा था वो आग में जल गया, इसको बोलते हैं लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर डी आर करेंगे, माल गया तो परचेज आता है, ये अपन ने मल्टीपल यूज ऑफ गुड्स वाले चैप्टर में देखा था कि माल गया तो उसके लिए जाने के लिए परचेज कोट करते हैं और परचेज का जो चेला है इनपुट वो भी चला जाएगा इनपुट IGST। 15,000 का माल गया और IGST 3% बता रहा है, वैसे 3% कोई रेट नहीं होती, ये मैं 12% कर देता हूँ, वो भी तो क्वेश्चन में जो भी गिवन होगी, 15,000 का 12% होता है 1,800 और यहाँ आ जाएगा आपका 16,800। ठीक है, रिपीट, लॉस बाय फायर डीआर करना है, टू गुड्स गया परचेज, टू इनपुट IGST आ जाएगा, मैंने 12% रेट मान ली है जो भी रेट गिवन हो। नेक्स्ट डैश अकाउंट डीआर टू डैश अकाउंट टू डैश अकाउंट टू डैश अकाउंट, गजब, मैंने कहा अब ये क्या कर दिया, बोलता है बींग द गुड्स रिटर्न टू सूर्या, हमने माल सूर्या को रिटर्न किया, आवाज़ सुनना, सूर्या को रिटर्न किया, तो सूर्या को रिटर्न किया, सूर्या रिसीवर, तो सूर्या आएगा डेबिट में, सूर्या आएगा डेबिट में, टू परचेज रिटर्न इसे कहेंगे, यहाँ आएगा परचेज रिटर्न, इनपुट CGST है, एक और ब्लैंक है तो वो इनपुट SGST ही होगा, CGST SGST जनरली बराबर होते हैं, यहाँ 60 है तो यहाँ पे भी 60 है, नहीं तो यूँ समझ जाते कि 1120 रुपया है डेबिट में और अपने को 1120 करना है क्रेडिट में, रिमेनिंग अमाउंट 60। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, हमने गुड्स रिटर्न किया सूर्या को, सूर्या इज द रिसीवर। नेक्स्ट डैश अकाउंट डी आर टू डैश अकाउंट बींग द चेक रिसीव फ्रॉम राहुल डिसऑनर्ड, अब ये तो रिपीट हो गया, हमें जो चेक मिला था राहुल से वो डिसऑनर हो गया, एक बार फिर बैंक बैलेंस गया नीचे और राहुल आ जाएगा ऊपर, तो राहुल अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, आप अच्छे से इनको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको।